हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन एम इग्नाइटर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आर्क वेल्डिंग के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। इसमें मैं आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत जितने भी वेल्डिंग प्रोसेसेस आते हैं उन सब के लिए एक कॉमन प्रिंसिपल बताऊंगा दोस्तों, जो कि वो सारे जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं उनके लिए ये प्रिंसिपल होगा। ये कॉमन प्रिंसिपल है, इट इज अ कॉमन प्रिंसिपल फॉर ऑल आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस। सो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बार हाईलाइट दिला देता हूँ कि जो आर्क वेल्डिंग होता है वो आर्क वेल्डिंग को का जो टाइप है वो लगभग 9 या 10 टाइप के आर्क वेल्डिंग होता है जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था। मैं एक बार फिर से ये रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत सबसे पहले आता है SMAW। मैं ये पूरा लिख देता हूँ दोस्तों, फ्रेंड्स मैंने लिख दिया। आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत SMAW आता है, सिलिकेट मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, समर्ज आर्क वेल्डिंग, और यहाँ पे लग रहा है दो दो बार मैंने लिख दिया है FCAW। तो यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रोस्लैग आर्क वेल्डिंग दोस्तों। तो इतने टाइप के आर्क वेल्डिंग होता है, इन सबों के लिए मैं एक कॉमन प्रिंसिपल बताऊंगा। कॉमन प्रिंसिपल कि आप लोग अगर आप लोग से कोई पूछता है कि आर्क वेल्डिंग का, अगर आप लोग से कोई प्रिंसिपल पूछता है, इसका मतलब वो आप लोगों से कॉमन प्रिंसिपल पूछना चाहता है। आप लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर आप लोग SMAW का प्रिंसिपल बता देते हैं। SMAW आप लोगों ने पढ़ा है ज्यादा, तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं कि SMAW के सिद्धांत को आप लोग बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज समझना होगा कि इफ समवन आस्क यू अबाउट अ प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, देन आप लोगों को ध्यान देना होगा कि वो आप लोगों से इस एंटायर आर्क वेल्डिंग के प्रिंसिपल को सुनना चाहता है ना। कॉमन एक प्रिंसिपल आप लोगों से समझना चाहता है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एक इसमें पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, वो है कंडक्टर यानी चालक। अब दोस्तों कंडक्टर क्या है आप लोगों को पता है, आप लोगों को कंडक्टर के बारे में पता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है। जैसे ये मान लीजिए एक सब्सटेंस है और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है, इसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंडक्टर का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, है ना। दोज फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है, दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि ऐसा पदार्थ या फिर वो सब्सटेंस जिसके थ्रू आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करती हो उसे ही हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ये सब्सटेंस है दोस्तों, सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, कार्बन हो सकता है, या फिर सिल्वर हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। वो कोई सा भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं दोस्तों। अभी इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ कि सबसे जो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द बेस्ट कंडक्टर, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना होगा सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कंडक्टर समझ गया। अब आइए हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके प्रिंसिपल को, आर्क वेल्डिंग के प्रिंसिपल को। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, वेन अ हाई करेंट पासिस थ्रू एन एयर गैप फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर,
है ना। इसीलिए मैं पहले कंडक्टर आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि इसके डेफिनेशन में कंडक्टर का यूज किया गया है, कंडक्टर वर्ड का, ना है ना। एयर गैप फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, इट प्रोसीड प्रोड्यूस अ वेरी इंटेंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन हीट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क, है ना। कह रहा है कि यदि हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रॉइंग से समझ लेते हैं। जैसे ये पावर सोर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये कोर वायर है, कोर वायर। तो कोर वायर का मटेरियल क्या होता है, कोर वायर का मटेरियल आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील होता है, जो हम लोग माइल्ड स्टील के लिए यूज करते हैं। एल्यूमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, कास्ट आयरन भी होता है ना। तो ये सब क्या है, ये इन सबों से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो इसीलिए इसको कंडक्टर कह रहा है। इलेक्ट्रोड यहाँ पे कोस्ट में कंडक्टर लिखा गया इसी वजह से। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जो फ्लक्स होता है वो कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर क्या होता है, वो कंडक्टर के ठीक उल्टा होता है। इंसुलेटर यानी कि वो सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास हो गया, माइका हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या फिर वुड हो गया, लकड़ी, इन सब सब्सटेंस के थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती। उसी तरह से फ्लक्स जो ऊपर रहता है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, है ना। तो उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। तो ये कोर वायर जो हमारा होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड कंडक्टर दिखाया गया है। और वर्कपीस हमारा आप लोगों को पता ही है कि वर्कपीस माइल्ड स्टील का होगा या फिर एल्युमिनियम का होगा, कॉपर का होगा, तो बेसिकली ये भी कंडक्टर ही है। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पावर सोर्स से हमने स्विच ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, यहाँ पे आई केबल के द्वारा, और केबल से फिर इसमें कोर वायर से होते हुए, क्योंकि कोर वायर हमारा क्या है, कंडक्टर है, कोर वायर से होते हुए ये कहाँ, ये आपका एयर गैप है, ये बहुत कम होता है, आप लोगों को पता है ना, एयर गैप है ना, ये एयर गैप है। यहाँ से होते हुए ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें आई, मतलब अनदर कंडक्टर में, ये पहला कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, अनदर कंडक्टर में आई और फिर वापस पावर सोर्स में चले गए दोस्तों। तो वो यही कह रहा है कि यदि कोई हाई करंट है ना, हाई करंट पास करता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, तो उस स्थिति में क्या होता है कि एयर गैप के साथ, है ना, एयर गैप में बहुत ही इंटेंस और कंसंट्रेटेड हीट प्रोड्यूस होता है ना, स्पार्क से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे ही हम लोग ऑन करने के बाद इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ स्ट्राइक कराते हैं, और स्ट्राइक कराने के बाद थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं कि उसके साथ स्टिक करके रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, तो वो एयर गैप हो गया। और एयर गैप के बाद वहाँ पे हमें क्या मिलता है, आर्क मिलता है। और इस आर्क के द्वारा हमें कॉन्सेंट्रेटेड और इंटेंस हीट मिलता है, और जिस हीट की जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि आप लोगों को पता है। और यही हीट क्या होता है, इसी हीट की वजह से क्या होता है कि जो हमारा बेस मेटल है वो फ्यूज होता है, साथ ही साथ कंडक्टर भी, हमारा जो इलेक्ट्रोड भी है वो फ्यूज होकर के एक होमोजीनियस वेल्ड बिट बनाता है दोस्तों, है ना। तो इसी को हम लोग आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत कहते हैं। आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत को ऐसे कह सकते कि जब हाई करंट एयर गैप के साथ एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में पास होता है, तो उस दौरान इंटेंस और कंसंट्रेटेड हीट स्पार्क के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और उस स्पार्क की जो टेम्परेचर है वो लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि मेटल को मेल्ट करता है और बहुत ही जल्दी एक होमोजीनियस वेल्डविड बनाता है दोस्तों। इसको हिंदी में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक बार फिर से हिंदी में समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई करंट। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब हाई करंट एयर गैप के साथ एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में पास होता है, तो उस दौरान आर्क से या फिर आर्क के द्वारा बहुत ही इंटेंस और कंसंट्रेटेड हीट उत्पन्न होता है, और उस हीट के द्वारा मेटल मेल्ट होकर के बहुत ही
क्विकली बहुत ही जल्दी एक होमोजीनियस वेल्ड बीड बनाता है या फिर होमोजीनियस वेल्ड बनाता है, उसे हम लोग आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत। अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप लोग इसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ हाई करंट पासिस थ्रू एन एयर गैप फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, इट प्रोड्यूस अ वेरी इंटेंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड हीट इन द फॉर्म ऑफ आर्क। द टेम्परेचर ऑफ दिस स्पार्क और आर्क इज अप्रोक्स 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, विच कैन मेल्ट एंड फ्यूज द मेटल बाई मेटल वेरी क्विकली टू प्रोड्यूस होमोजीनियस वेल्ड। आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने समझा, मैं इसको कॉमन इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि यहां पे हम लोगों ने किसी भी तरह के इलेक्ट्रोड का मैंने कोई जिक्र नहीं किया है। मैंने इसको एक कंडक्टर बोला है, ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये सेकेंड कंडक्टर है, तो यहां पे मैंने कंडक्टर बोला है। तो कंडक्टर बोला है इसी वजह से यहां पे ये सबके लिए कॉमन हो गया दोस्तों। अगर इसी डेफिनेशन में यदि कंडक्टर की जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोड रख देते हैं, डेफिनेशन में जो यहाँ पे कंडक्टर दिया गया है, इस कंडक्टर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रोड का नाम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यहाँ पे कंडक्टर की जगह पे लिख देते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग इस कंडक्टर की जगह पे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोड नाम दे देते हैं, तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगा वो पर्टिकुलर किसी एक वेल्डिंग प्रोसेस के लिए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड बोल दिया, डेफिनेशन में कंडक्टर हटा करके फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड कर दिया, तो वो ये प्रिंसिपल SMAW का हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रोड को मैंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड कर दिया, तो ये प्रिंसिपल GTAW का हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए इस कंडक्टर को हटा करके मैंने बार वायर इलेक्ट्रोड यूज कर दिया, तो ये प्रिंसिपल किसके लिए हो जाएगा, GMAW के लिए हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए इस कंडक्टर को हटा करके मैंने क्या किया कि फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड कर दिया, तो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग के लिए हो जाएगा सिद्धांत। तो दोस्तों इसीलिए इसको कॉमन बोला गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं किया है, मैंने कंडक्टर यूज किया है, फर्स्ट कंडक्टर सेकेंड कंडक्टर। तो इसी रीजन से इसको हम लोग कॉमन प्रिंसिपल बोलते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।